बच्चों, हमने पिछली कक्षा में मानव पूंजी निर्माण एवं मानव विकास के बारे में पढ़ा था। उससे संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर जो हैं वो आप लोग को दे रहे हैं, इसे आप लोग को नोट करना है और दोबारा आपको रिवीजन के तौर पर हम वो प्रश्नों को दोबारा समझा भी देंगे। जैसे कि किसी देश की मानवीय पूंजी के दो प्रमुख स्रोत क्या हैं, तो इसका है शिक्षा और स्वास्थ्य। मतलब इन दोनों के माध्यम से ही हम मानव पूंजी के जो दो स्रोत हैं ये महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि शिक्षा या हमारे पास स्वास्थ्य अच्छा होगा तो हम काम अधिक करेंगे। हमें यदि शिक्षा प्राप्त रहेगी तो हम अपने हुनर का अधिक से अधिक उपयोग कर सकते हैं। फिर है किसी देश की शैक्षणिक उपलब्धि के दो सूचक क्या होते हैं, जैसे उसमें शैक्षणिक उपलब्धि मुख्य सूचना इस प्रकार है, जैसे सकल नामांकन अनुपात और साक्षरता दर। स्वाभाविक साक्षरता मतलब हमको पढ़ा लिखा होना, जब हम पढ़े लिखे होंगे तो हमारी जो शैक्षणिक उपलब्धियाँ हैं वो आगे बढ़ेंगी। फिर भारत में शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए क्षेत्रीय विषमताएँ क्यों दिखाई देती हैं, इसके क्या कारण हैं? तो सबसे पहले हैं आय की असमानताएँ, क्योंकि उच्च आय वाले राज्यों को उच्च साक्षरता दर अधिक होती है और जो कम आय वाले हैं उनकी अनुपातिक कम होती है। उसे शिक्षा के राज्य सरकार के व्यय शिक्षा संवर्धित सूची का जो विषय है उसमें क्षेत्रीय असमानताएँ विभिन्न राज्यों के शिक्षक पर किए गए व्यय के विभिन्न स्तरों के कारण भी आ जाती है। मतलब शिक्षा का स्तर क्या है और किस तरह से वहाँ के रूल्स हैं। फिर है मानव पूंजी और मानव विकास में भेद क्या है। तो पिछली बार हमने बताया था कि मानव पूंजी निर्माण क्या है और मानव विकास क्या है। तो सबसे पहले तो अर्थ, मानव पूंजी निर्माण का अर्थ है जैसे हम भौतिक पूंजी में भविष्य में उच्च लाभ उच्च उत्पादकता आय के रूप में पाने के लिए करते हैं, वैसे ही मानव पूंजी को भी निवेश करते हैं। फिर मानव विकास क्या है, इसके अंतर्गत अस्तित्व आर्थिक सामाजिक राजनीतिक आध्यात्मिक पहलुओं को शामिल किया जाता है। फिर शिक्षा और स्वास्थ्य, मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे कि अभी हमने प्रकार देखा तो उसी तरह मतलब उत्पादकता बढ़ाने के लिए एक साधन मात्र है। फिर है मानव विकास में विचार है कि मानव पूंजी की गुणवत्ता को हम बढ़ाते हैं। फिर मनुष्य, मानव पूंजी का निर्माण जो है मनुष्यों के द्वारा होता है, जिसमें कि जो साधन है हम समझते हैं और साथ ही साथ साध्य उत्पादकता में वृद्धि होती है। फिर मानव विकास में जो आय एक साध्य समझता है। फिर व्यापकता, पूंजी मानव पूंजी निर्माण संकीर्ण अवधारणा है जबकि मानव विकास जो है व्यापक अवधारणा है। फिर है मानव पूंजी की तुलना और मानव विकास किस प्रकार अधिक व्यापक है। मानव पूंजी की तुलना मानव विकास अधिक व्यापक है क्योंकि मानव पूंजी मनुष्य जीवन के आर्थिक एवं उससे संबंधित मानव बिंदु के बहुआयामी सामाजिक संस्कृति राजनीतिक आध्यात्मिक पहलू पर भी विचार करता है। मानव पूंजी उसी प्रकार शिक्षाओं को महत्व देता है, उत्पादक को बढ़ाता है, जबकि मानव विकास से शिक्षा और स्वास्थ्य की अच्छी गुणवत्ता के जीवन में अभिन्न हिस्सा बन जाती है। फिर मानव पूंजी के निर्माण के लिए किन किन कारकों का योगदान है, जैसे शिक्षा पर व्यय, स्वास्थ्य पर व्यय, प्रशिक्षण पर व्यय, सूचना पर व्यय, प्रवासन पर व्यय। मतलब शिक्षा पर व्यय, यदि शिक्षा पर व्यय करेंगे तो अच्छे मानव पूंजी जो है वह निर्मित होगा। स्वास्थ्य पर व्यय, यदि हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा तो हम उत्पादन में अधिक योगदान देंगे। प्रशिक्षण पर व्यय, जो हमारा मानव पूंजी है या जो व्यक्ति है उसे हम यदि प्रशिक्षण देकर उत्पादन में और ज़्यादा वृद्धि कर सकते हैं। फिर सूचना पर व्यय, जो उत्पादन किया जा रहा है या फिर जो प्रशिक्षण होना है उसके बारे में हम सूचना उनको देकर उनको प्रशिक्षण करके। प्रवासन मतलब तुमको अपनी योग्यता के अनुसार कहाँ पर अच्छी नौकरी मिल सकती है, अच्छा कार्य आपको मिल सकता है। फिर सरकारी संस्थाएं किस प्रकार स्कूल और अस्पताल की सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं। सबसे पहले शिक्षा का क्षेत्र, केंद्र और राज्य सरकार में शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा विभाग है, अन्य संगठन है, शैक्षणिक अनुसंधान है जिन NCERT विश्वविद्यालय हैं, अनुदान है, फिर UGC हैं, तकनीकी शिक्षा है, अखिल भारतीय परिषद है जिनके माध्यम से हम लोग सरकारी जो संस्थाएं हैं वे कोशिश ये करती हैं। इसलिए कम से कम 14 वर्ष की आयु तक प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा ग्रहण करना आवश्यक हो गया है। फिर है शिक्षा की किसी राष्ट्र के विकास के महत्वपूर्ण आगत माना जाता है। मतलब शिक्षा को क्यों महत्वपूर्ण आगत माना जाता है, क्योंकि इससे क्या होता है, एक व्यक्ति जो होता है अधिक आय अर्जित करने की योग्यता रखता है, बेहतर सामाजिक स्थिति में वह अपना गर्व महसूस करता है, साथ ही साथ जीवन को बेहतर विकल्प चुनने में सक्षम होता है और परिवर्तनों को समझने का भी उनको ज्ञान होता है। फिर नवाचार को बढ़ावा मिलता है और कई उपलब्धता ऐसी नई तकनीक को अपनाने में सहायक हो। जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि जब वह पढ़ा लिखा होगा व्यक्ति शिक्षा के माध्यम से वह आय भी अर्जित अधिक करेगा, सामाजिक स्तर भी अच्छा होगा, वह अपना स्तर भी बढ़ा देगा और साथ ही साथ नई नई तकनीकों का उपयोग करके नई नई तकनीकों को अपनाने में सहायक।
फिर है पूंजी निर्माण के स्रोतों पर चर्चा करेंगे, जैसे प्रवसन व्यय, प्रवसन और फिर आर्थिक संरचना, जिसमें स्वास्थ्य आधारित संरचना बेहतर यह है कि एक व्यक्ति जो स्वस्थ होगा तभी उत्पादन को बढ़ा रहे, जैसे कि अभी हमने पहले बताया आपको, दक्षता है, नियमित बढ़ जाती है, अनुपस्थिति कम हो जाती है, उसके जीवन में गुणवत्ता सुधरता है, साथ ही साथ वह निर्भर जो जनसंख्या अनुपात भी कम हो जाता है, मतलब दूसरे पर निर्भर कम होने लगता है। फिर अब प्रवसन क्या है, प्रवसन जो है परिवहन की लागत, प्रवासित स्थान, उच्च निर्वहन की लागत, एक अनजान क्षेत्र में रहने के लिए मनोवैज्ञानिक लागत ये शामिल होता है। इसका लाभ उच्च आय के रूपों में मिलता है, मतलब इससे जो है अधिक से अधिक लाभ हम कमाई कर सकते हैं, और व्यक्ति पलायन करने का भी निर्णय लेता है क्योंकि वह यह सोचता है कि जहाँ पर उसे अधिक आय मिलेगी, अधिक वेतन मिलेगा, वह उस क्षेत्र में जाकर वह कार्य करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर मानव संसाधनों का प्रभावी प्रयोग, स्वास्थ्य और शिक्षा व्यय संबंधी जानकारी, मतलब मानव संसाधन प्रभावी प्रयोग, स्वास्थ्य और शिक्षा के माध्यम से ही हम उत्पादनता में वृद्धि कर सकते हैं, गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं और मानव पूंजी निर्माण में योगदान देता है। फिर मानव पूंजी निवेश में आर्थिक समृद्धि किस प्रकार से है, आर्थिक समृद्धि स्वाभाविक है, जब मानव पूंजी का निवेश होगा, हम उसे अच्छा प्रशिक्षण देंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, तो हमारी आर्थिक वृद्धि में उनका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। फिर अब विश्व भर में औसत शैक्षिक स्तर में सुधार के साथ साथ विषमताओं में कमी की प्रवृत्ति पाई गई, टिप्पणी कर, मतलब किस तरह से विषमता आई गई, जैसे अब वर्तमान में लोगों के शिक्षा के विस्तार के साथ साथ इंटरनेट से संपर्क हुआ है, सूचना की अधिक सुलभ हो गई हैं, कई स्थानों में पलायन करने और कौशल के अतिरिक्त भुगतान किया जाता है, श्रमिक जो अधिक गतिशीलता मजदूरी दरों के समान स्तर ले जाते हैं, मतलब दुनिया भर की असमानता को यह कम करता है क्योंकि आजकल इंटरनेट के माध्यम से हम सारी जानकारियाँ जुटा लेते हैं। फिर आर्थिक शिक्षा में जो भूमिका है, आर्थिक विकास के लिए शिक्षा की जो भूमिका है वह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, यदि कुशल श्रमिक होंगे, कुशल कर्मी होंगे, तो स्वाभाविक है वे राष्ट्र के उत्पादकता में वृद्धि करेंगे, कुशलता में उत्पादकता को बढ़ाना है तो व्यक्ति को शिक्षित करना होगा, हमारे सकारात्मक प्रभाव भी डालता है, जैसे जाति, धर्म, लिंग, सामाजिक आधार पर भी उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, सामाजिक आर्थिक समस्याएं भी कम होती, क्योंकि हम जब पढ़े लिखे होते हैं तो उन समस्याओं को आसानी से हम सॉल्व कर लेते हैं या निराकरण कर लेते हैं। फिर जीवन की गुणवत्ता में सुधार आता है, हम यदि पढ़े लिखे होंगे तो स्वाभाविक है हमारे स्तर में भी धीरे धीरे सुधार होगा। फिर प्रौद्योगिकी अभिनव शिक्षा बाजार नवीनतम तकनीकों का नवाचार लाने में मदद करता है, जब स्वाभाविक है जब व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा तो वह नए नए तकनीकों का प्रयोग करेगा और अधिक से अधिक उत्पादन करने की कोशिश करेगा। फिर व्यक्ति के लिए कार्य के दौरान प्रशिक्षण क्यों आवश्यक है, यदि हमें उत्पादन बढ़ाना है और अच्छे से अच्छा कार्य करना है, अधिक से अधिक लोगों की मांगें पूरी करनी है, स्वाभाविक है हमें लोगों को प्रशिक्षण देना होगा, प्रशिक्षण दे देंगे तो अच्छे कर्मचारी हमें मिलेंगे, अच्छे कर्मचारी मिलेंगे तो उत्पादन अधिक से अधिक होगा और वह अपने प्रशिक्षण अपनी भूमिका निभाता है और मानव पूंजी निर्माण में एक महत्वपूर्ण कारक है। फिर आप यहाँ देख रहे हैं कि मानव पूंजी और आर्थिक समृद्धि बीच संबंध को हम किस तरह से स्पष्ट कर सकते हैं, जैसे कि आर्थिक समृद्धि के उच्च दर, फिर मानव पूंजी निर्माण की आर्थिक धन, फिर है मानव पूंजी में निवेश, फिर सुविकसित मानव पूंजी और उत्पादकता, मतलब ये एक पूरा एक चक्र है जो कि आर्थिक समृद्धि के उच्च दर को हम किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं, यदि मानव पूंजी का हम निर्माण करेंगे उसके साथ साथ मानव पूंजी में हम निवेश करेंगे, स्वाभाविक जब निवेश क्या है, जब हम शिक्षा दे रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, उनको प्रशिक्षण दे रहे हैं तो एक तरह का निवेश है। फिर सुविकसित होगा मानव पूंजी, जब वह प्रशिक्षित हो जाएगा, शिक्षित हो जाएगा तो उत्पादकता वृद्धि करेगा, कुशलता उसमें किसी भी कार्य करने में कुशलता होगी, क्योंकि एक व्यक्ति को एक कार्य में कुशलता प्राप्त होने से वह उस कार्य को अच्छी तरह से कर सकता है। फिर स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन की आवश्यकता पर हम चर्चा करेंगे, स्त्रियों की आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ती है उससे, उससे सामाजिक औचित्य सुधरता है, प्रजनन दर में सकारात्मक प्रभाव डालता है, जन्म दर भी कम हो जाती है, और स्त्रियाँ जब पढ़ी लिखी होंगी तो बच्चों के स्वास्थ्य पर भी उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। फिर शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों की सरकार विविध प्रकार के हस्तक्षेपों के पक्ष में तर्क दीजिए, जिस तरह से हमने पहले भी बताया कि जब व्यक्ति शिक्षित होगा और स्वास्थ्य अच्छा होगा तो सरकार को उससे अधिक से अधिक लाभ मिलेगा और सरकारी हस्तक्षेप भी नहीं होगा, साथ ही साथ जो मानव पूंजी का हानिकारक प्रभाव जो उसमें पड़ता है वह भी कम हो जाएंगे और सरकार जो है आवश्यक हस्तक्षेप जो करेगा उसमें भी राष्ट्रीय आर्थिक विकास में उसका व्यय आवश्यक है। फिर है मानव पूंजी निर्माण की मुख्य समस्याएं क्या है, मतलब इसमें समस्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसे सभी की शिक्षा अभी सपना, हालांकि
इसमें भारतीय संविधान में शिक्षा के अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में घोषित कर दिया गया है, जिसमें साक्षरता दर 2001 की जनगणना के अनुसार 79.7% था, इसे 100% होना चाहिए था। फिर है लिंग असमानता, जिसमें पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता दर में भी अंतर है। कई लोग महिलाओं की शिक्षा कम शिक्षित करते हैं, 8वीं या 10वीं तक पढ़ाते हैं और उसके बाद उनकी शादी कर देते हैं। फिर आर्थिक स्वतंत्रता, सामाजिक स्थिति में सुधार जरूरी है, जिसमें ये प्रजनन दर भी कम हो सके और महिलाओं के बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार हो सके। बच्चों, ये सारे जो क्वेश्चन हैं ये आप लोग को कॉपी में नोट करनी है। इसके पहले की जो क्लासेस हो चुकी हैं उसके भी हम आपको इसी तरह से क्वेश्चन आंसर आपको देंगे, उन्हें आप कॉपी पर बनाइएगा और ये सारे प्रश्न उत्तर को नोट करना है।